जी नमस्कार। आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संचालन समिति के सदस्य रहे हैं, तो इसके निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते हुए जो आपके इन प्रक्रियाओं के अनुभव रहे हैं वो हम जानना चाहेंगे, और दूसरा कि इसके निर्माण के तात्कालिक सरोकार क्या रहे थे। इस बात को ठीक से समझने के लिए मैं इसको चार सवालों में तोड़ लेता हूं। एक तो प्रक्रिया क्या रही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बनाने की, दूसरा अनुभव क्या रहे, और तीसरा तात्कालिक सरोकार, और चौथा स्रोत। यदि इस तरह से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रक्रिया के संदर्भ में ये दस्तावेज हमारे पुराने दस्तावेजों से काफी अलग था। इसकी पूरी औपचारिक प्रक्रिया को भी देखें तो भारत में अभी तक सिर्फ 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बने हैं, 1988, 2000 और 2005। उससे पहले के जो दस्तावेज थे तब वो उनको आप फॉर्मली राष्ट्रीय दस्तावेज नहीं कह सकते औपचारिक रूप से, क्योंकि शिक्षा राज्यों का मसला था उस वक्त, और एक तरह की सलाहकार दस्तावेज के रूप में जरूर वो प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन इस प्रकार का कोई शिक्षा नीति के तहत नहीं थे वो दस्तावेज। यदि इन तीनों दस्तावेजों को हम देखें तो एक खास बात यह है कि 1988 का दस्तावेज एनसीईआरटी के एक आंतरिक कार्यकारी समूह का बनाया हुआ दस्तावेज था, और बाद में उसको राष्ट्रीय स्तर पर उस पर बहुत सारी गोष्ठियां की गई, बातचीत हुई, टीचर्स से भी बातचीत हुई, लेकिन उसमें लोग जो थे बनाने वाले और लोगों की बातचीत को समाहित करने की जिम्मेदारी जिन पर थी वो सारे के सारे एनसीईआरटी के आंतरिक लोग थे। ठीक यही बात 2000 का दस्तावेज है उसके साथ भी हुई। ये ठीक है कि कुछ प्रगति 2000 के दस्तावेज में ये हुई कि जो रीजनल लेवल पे गोष्ठियां हुई, सेमिनार हुए क्षेत्रीय लेवल पे, वो ज्यादा व्यवस्थित ढंग से और शायद संख्या में भी ज्यादा हुए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक से अधिक गोष्ठियां हुई, लेकिन फिर भी वो समूह पूरा का पूरा आंतरिक था। ये जो दस्तावेज है ये उससे बहुत भिन्न था प्रक्रिया में। पहले तो इसमें एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें लगभग 35-36 लोग थे उसमें, और एनसीईआरटी के लोग शायद 5-6 ही थे, तो बाकी सब लोग बाहर से थे। इससे एक बात ये भी हुई कि किसको आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में राय देने की के काबिल मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं, ये दायरा काफी खुल गया। तो इसमें साहित्यकार थे जिन्होंने शिक्षा में कभी हो सकता है औपचारिक शिक्षा में सीधा काम नहीं किया, ऐसे लोग थे, तो एक तो स्टीयरिंग कमेटी थी, लेकिन एक इससे भी बड़ा ग्रुप था, क्योंकि इस दस्तावेज के साथ साथ ये महसूस किया गया था कि कोई भी पाठ्यचर्या दस्तावेज जब बनता है तो उसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारा विभिन्न विषयों का ज्ञान उनके, और बहुत सारे मुद्दों का क्या राष्ट्रीय सहमति है वो भी उसकी झलक आनी चाहिए, और इसलिए इसके साथ साथ 18 या 19 पोजीशन पेपर भी बने। तो हर पोजीशन पेपर में एक चेयरपर्सन और उसके साथ शायद 10 से लेके 13-14 तक के नेशनल फोकस ग्रुप भी बने। तो इस तरह से जो कुल लोग शामिल हुए इस पूरी प्रक्रिया में वो कोई 350-400 लोग डायरेक्टली शामिल हो गए, या तो फोकस ग्रुप पेपर्स पे या स्टीयरिंग कमेटी में। तो ये तादाद काफी बड़ी थी। फिर ये जो मीटिंगें होती थी इसके वो अलग अलग जगह पे हुई, स्टीयरिंग कमेटी की भी और फोकस ग्रुप पेपर जो थे उन्होंने तो की जानबूझ के। तो एक तरह से सारे देश में इतने सारे 18 पोजीशन पेपर्स की मीटिंग हो रही है और मूल दस्तावेज की मीटिंग हो रही है, इसलिए बात लोगों की नजर में आ गई।
और फिर उनकी मिनट्स और कुछ जो भी दस्तावेज बन रहे थे वो प्रक्रिया के साथ साथ ही इंटरनेट पर रख दिए गए थे, तो उस पर लोग उसको पढ़ते थे और सलाह देते थे। इसकी जो फाइनल ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें भी एनसीईआरटी के लोग एक दो ही थे और बाहर के और लोग थे। इंटरप्रिटेशन ये था इस सारी चीज में कि एनसीईआरटी का नाम ही नेशनल काउंसिल है, तो काउंसिल का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई डिपार्टमेंट है जो इंटरनली सब कुछ कर लेगा, वो तो एक प्रकार की काउंसिल है जो सारे राष्ट्र को उसमें शामिल करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रक्रिया में ये भावना इस दस्तावेज में काफी साफ तरीके से और घोषित रूप में इसका पालन। अखबारों में भी छापे गए थे, जैसे मुझे याद है पाठ्यचर्या का जो फोकस ग्रुप था उसका एक पूरा विज्ञापन छपा था कि आपके जो इस पे कमेंट्स हैं वो आप हमें इनके बारे में करके भेजिए, तो और एक दूसरे तरीके से शायद इसको लोगों के बीच में ले जाने की प्रक्रिया भी चली हुई। हाँ, इसकी एक सजग कोशिश ये हुई थी कि जो जिनको हम पारंपरिक तौर से शिक्षा से संबंधित लोग मानते रहे हैं, सिर्फ पूरी बातचीत वहीं तक शामिल नहीं रहे, बातचीत उससे आगे जाए। ये शिक्षा के सिद्धांत और एक डेमोक्रेसी में शिक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त बात थी। एक्चुअली जॉन व्हाइट ने एक पर्चे में काफी डिटेल में ये इस बात के लिए आग्रह किया है और तर्क दिए हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जैसे दस्तावेजों के कुछ हिस्से, खासकर उद्देश्य और किन मूल्यों को लेकर शिक्षा को आप संचालित करना चाहते हैं, ये राष्ट्र का कोई एक तबका तय नहीं कर सकता, और इसमें राजनीतिज्ञ, शिक्षक, माता पिता, क्योंकि राष्ट्र की शिक्षा राष्ट्र के हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है और इसलिए ये सबके लिए खुला है, एक्सपर्ट्स के हाथ में नहीं दे सकते। तो इस दस्तावेज में ये कोशिश हुई, इस दस्तावेज की प्रक्रिया में इसके अनुभव, तो ये एक तरह का व्यक्तिगत सवाल भी है क्योंकि इस प्रक्रिया में शामिल सब लोगों के अनुभव जरूरी नहीं है कि एक जैसे हुए हो। तो मुझे जो इसमें सारी बातचीत लगी एक चीज जो इसमें ध्यान आकर्षित करती थी वो जितनी भी बैठकें हुई स्टीयरिंग कमेटी की और फोकस ग्रुप्स की, मैं एक फोकस ग्रुप का भी चेयरपर्सन था इसलिए उसके अलावा, लेकिन उसके अलावा भी मैंने और फोकस ग्रुप्स के मीटिंगों में भाग लिया है, जो चर्चाएं होती थी वो काफी संजीदगी से होती थी और ऐसा नहीं था कि जैसा अमूमन अपने यहाँ होता है कि आपने जो कहा हाँ आप भी ठीक कहते हैं मैं भी ठीक कहता हूँ, वो जो एक से अधिक पोजीशंस थी तो वो आर्टिकुलेट की गई, उन पर चर्चा हुई, उन पर बहस हुई। और जब आप राष्ट्रीय दस्तावेज बनाते हैं तो आखिर में एक सहमति तो बनाई नहीं होती है वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस सहमति बनाने की प्रक्रिया में जो सैद्धांतिक मुद्दे थे वो उजागर हुए और जो असहमतियां थी वो भी उजागर हुई, और उन असहमतियों से आगे बढ़ के फिर सहमति कैसे बनाई जाए। हमेशा ऐसा होता है कि जब आप दो अलग अलग पोजीशन लेते हैं और उसमें आपको सहमति बनानी हो तो आपको थोड़ा सा उन दोनों से ऊपर उठ के अधिक जनरल प्रिंसिपल पर पहुंचना होता है, अधिक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचना होता है, तो ये प्रक्रिया वहां बहुत साफ थी। दूसरी बात, लोगों में बहुत उत्साह था। कुछ दूसरी बातें भी हैं, मतलब इस प्रकार की प्रक्रियाएं हमेशा ही एकदम साफ सुथरे ढंग से नहीं चल सकती हैं। एक जो बड़ी समस्या मुझे लगी वो ये लगी कि समय बहुत कम था और इसलिए लगातार समय का दबाव लोगों पर रहता था, तो एक दो दिन की मीटिंग है और उसमें आपके पास 10 मुद्दे हैं और उसमें सारे लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, उस पर ढंग से विवेचना भी करना चाहते हैं, तो कई बार उसमें जरूर थोड़ी समस्या लगती थी, लेकिन बाद में अगली मीटिंग में उसके लिए लोग नोट्स लेके आते थे, बीच में ईमेल पर बातचीत होती थी, इनफॉर्मल बातचीत होती थी। उस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा काम करने के लिए
जो समय दिया गया था वो बहुत कम था। मेरा अपना अनुभव ये है कि आप इतने बड़े स्तर पर यदि किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज को रिव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1.5 से 2 वर्ष चाहिए, और इसमें शुरू में तो बहुत ही कम समय दिया गया था। मुझे ठीक से याद नहीं है, कहीं एनसीईआरटी के दस्तावेजों में मिल जाएगा आपको, शायद 6-7 महीने ही दिए गए थे, हालांकि बाद में इसको साल भर लग गया था, लेकिन आपको घोषित रूप से 1.5 वर्ष की जरूरत पड़ती है। तो ये एक और चीज थी इसमें। इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से हुआ, टीचर्स वगैरह से, वो भी अच्छा अनुभव रहा। अब यदि हम इसके सरोकारों पर आए तो ये भी मुझे लगता है कि लोग अलग अलग अंदाज में देखेंगे। इसके साथ मैं सवाल ऐड कर देता हूँ। वो सवाल ये है कि आपने कहा कि 1988, 2000, 2005 ये तीन जो शिक्षाक्रम के दस्तावेज बने, तो एक आपने प्रक्रिया के फर्क, प्रक्रिया को आपने 2005 के संदर्भ में कहा, तो ये जो बाकी के थे उनके में भी कहा, लेकिन क्या इनके सिद्धांतों और सरोकारों में भी कोई फर्क है क्या? ये तीन दस्तावेज जो 2005 में बना वो इनसे किस तरीके से भिन्न आप इसको देखते हैं? देखिए, सिद्धांतों और सरोकारों का जो फर्क है वो प्रक्रिया और अनुभव से नहीं आ सकता, वो उनके अध्ययन से आएगा। तो उसको, उस सवाल को जोड़ना है तो हम उस पर बात कर सकते हैं, और तीनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ भेद हैं, उनकी बात अपन कर सकते हैं, वो उपयोगी भी है। लेकिन पहले यदि उस वक्त जो सरोकार थे सीधा सीधा उनकी हम थोड़ी बात करें और उसके बाद इसको जोड़ लेंगे। तो जो पत्र लिखा गया था MHRD से, उसमें एक बात यह कही गई थी कि 1993 में शिक्षा बिना बोझ के जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट छपी थी वो कुछ चीजें की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, और उसमें पाठ्य पुस्तकों से लेके पाठ्यक्रम और कक्षा में किस तरह से पढ़ाया जाए इस पर कुछ रिकमेंडेशंस थी, और हमारे दस्तावेजों में उसकी मोटी मोटी स्वीकृति के बावजूद भी वो चीजें नहीं हुई थी। तो एक सरोकार जो था वो तो आप उसको शिक्षण शास्त्रीय सरोकार कह सकते हैं, जिसमें बच्चे को कितना पढ़ाएं, उस पर बोझ कितना हो, समझ में कितनी गहराई से जाएं, क्लास में पढ़ाने का तरीका क्या हो, पाठ्य पुस्तकें कैसी हो, तो एक आप बहुत स्ट्रॉन्ग शिक्षण शास्त्रीय सरोकार कह सकते हैं। दूसरा आप पाएंगे इस दस्तावेज के आखिर में, शायद वो चिट्ठी है कहीं, दूसरा आप पाएंगे कि उसमें हमारे संविधान की भूमिका जो है वो, उसका काफी बड़ा हिस्सा उस पत्र में उद्धृत है, और वो बहुत स्पष्ट रूप से जो दूसरा सरोकार को रेखांकित करता है वो था कि शिक्षा को प्रजातंत्र, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय और बराबरी के मसलों से और गहराई से जोड़ने की जरूरत है जितना हम अभी तक कर पाए हैं, और वो दोनों दृष्टि से शिक्षा के बारे में हम जिस नजरिए से सोच सकते हैं उस नजरिए में भी, और शिक्षा पर हम जिस तरह से काम करते हैं और बच्चे जितना सीख पाते हैं उसमें समानता लाने की और सामाजिक न्याय लाने की बात भी, ये दूसरा सरोकार उसमें काफी महत्वपूर्ण था। मुझे ऐसा भी लगा कि जो अलग अलग समूह बने थे पोजीशन पेपर्स के लिए वो और स्टीयरिंग कमेटी इन दोनों सरोकारों को लेके बहुत जागरूक थी, और लगातार इस पर बातचीत हुई इस सारे दस्तावेज निर्माण की प्रक्रिया में। जहां तक स्रोत और संदर्भ वगैरह का सवाल है तो ऐसे दस्तावेजों में एक, कोई भी राष्ट्रीय दस्तावेज आप बनाएंगे तो एक तो उसके स्रोत और संदर्भ उस देश की शिक्षा नीति होती है, और इसलिए शुरू से स्वतंत्रता के बाद जितने भी कमीशंस बने उनकी रिपोर्ट्स एक स्रोत के रूप में इसमें काम में आई, और उसमें यशपाल कमेटी की वो जो रिपोर्ट थी वो भी उसका हिस्सा थी। दूसरा, पाठ्यक्रम कहीं कहीं वैक्यूम में तो बनते नहीं है, तो उससे पहले के भी दस्तावेज होते हैं, तो जितने भी दस्तावेज राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए थे जहां तक मेरी जानकारी है पहला दस्तावेज 1975 में बना था, एनसीईआरटी ने पूरे राष्ट्र के लिए जो कोशिशें की थी वो सारे दस्तावेज भी उसके संदर्भ सामग्री का हिस्सा थे।
जो तीसरी चीज होती है वो जो अध्ययन हुए हैं उस देश में शिक्षा को लेके, उसकी प्रक्रिया को लेके, बच्चों के सीखने को लेके, कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, सीखने में कितना भेद है लड़के लड़कियों में या जातियों के आधार पर, तो वो सब बातचीत उसमें थी। और बहुत बड़े स्तर पर जो लोग थे, क्योंकि वो विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद, पत्रकार और साहित्यकार थे, इसलिए उनका अपना जो साहित्य था उनके विषयों से संबंधित, दुनिया भर में जो भी रिसर्च हो रही थी अलग अलग विषयों में, उदाहरण के लिए हम ये कहें कि मैथमेटिक्स पेडागोजी पर जो पेपर था, मैथमेटिक्स एजुकेशन पर, उन लोगों ने जो भी रिसर्च मैथमेटिक्स को पढ़ाने में हो रही है उसका उपयोग किया। तो जो शैक्षिक साहित्य है थ्योरी को लेके, वो भी सारा इस संदर्भ का हिस्सा था, उन सबको काम में ला सकते थे। लेकिन मुझे जो बात महसूस हुई वो ये हुई कि भारतीय संदर्भ में हमारी नीतियों को इसके सारे कार्यक्रम में केंद्र में रखा गया था। अब आपने जो सवाल पूछा था कि इन तीनों के सरोकारों में किस प्रकार का भेद है, तो बाकी की प्रक्रियाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन तीनों दस्तावेजों को यदि आप साथ पढ़ के देखें तो मेरी कुछ मान्यताएं हैं। ये अब थोड़ा एकेडमिक सवाल हो गया है और कोई भी एकेडमिक सवाल का एक जवाब नहीं होता, उसके एक से अधिक जवाब होते हैं। तो कोई दूसरे व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो शायद दूसरे ढंग से इसका जवाब दे, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि 1988 के दस्तावेज पर शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए और व्यक्ति को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखना बहुत रेखांकित हो गया है, उस पर बहुत जोर दिया गया है। और जो दूसरी बात उसमें उभर के आती है, एक तो राष्ट्र निर्माण के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए राष्ट्र के जितने भी प्रक्रियाएं हैं सामाजिक बदलाव की, उसमें योगदान के लिए, उसमें एक से अधिक जगह ये वाक्य है कि एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज और एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल प्रोग्रेस। तो शिक्षा के उद्देश्यों को और शिक्षा को पूरी तरह से राष्ट्रीय उद्देश्य या गोल्स जो हैं उनको प्राप्त करने के इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसमें देखा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो है उसकी छाया उसको बहुत गहरी है। साइंटिफिक टेंपर और धर्मनिरपेक्षता पे काफी जोर है दस्तावेज में। जब आप 2000 में आते हैं तो शिक्षा को ठीक उसी नजरिए से देखा जाता है राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और राष्ट्रीय अस्मिता बनाने के लिए, ये भी दोनों में है, नेशनल आइडेंटिटी और कल्चरल और हमारी जो भी हेरिटेज है, विरासत, सांस्कृतिक विरासत, बच्चे को उसमें उसे परिचय करवाना और उसका संरक्षण और उसका संवर्धन, ये सारी चीज है। लेकिन 1988 के दस्तावेज में जब हम राष्ट्रीय धरोहर और विरासत की बात करते हैं और उसके संरक्षण की बात करते हैं तो ये महसूस नहीं होता कि आप उस पर कोई अत्यधिक बल दे रहे हैं या दुनिया में जो वैचारिक विकास हो रहा है उसको छोड़ के आप उधर ही की बात ज़्यादा कर रहे हैं। 2000 के दस्तावेज को जब आप देखते हैं तो वो बाकी चीज़ें समान रखते हुए अत्यधिक बल इस पर राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक संरक्षण वगैरह पर है। कई जगह ऐसा भी लगता है कि जिस ढंग से 2000 के दस्तावेज में इस सारी बात को लिया गया है, इसकी व्याख्या की गई है, वो बार बार
विवेकशील चिंतन और सेक्युलरिज्म के साथ टकराती है। हालांकि उन्होंने अगले वाक्यों में उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो भावना स्पष्ट हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात है अपने यहां, हमारे यहां रिवाज साइंटिफिक टेंपर कहने का है। विवेकशील चिंतन का विकास या रेस डेवलपमेंट ऑफ रीजन या डेवलपमेंट ऑफ रेशनल थॉट या रेशनल इंक्वायरी नहीं कहते हम, साइंटिफिक टेंपर कहते हैं। साइंटिफिक टेंपर रेशनल इंक्वायरी का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्रचारित होने के दो कारण थे। एक तो नेहरू जी ये शब्द काम में लेते थे और ये अच्छा ही होगा उस जमाने में, और दूसरी बात मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, लेकिन हमारे जो नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटीज हम जिसको कहते हैं, उनमें से एक साइंटिफिक टेंपर का विकास है। एक शिक्षक के नाते मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा है कि ये थोड़ा सा लंगड़ी अवधारणा है। तो लेकिन 2000 के दस्तावेज में जी, इस दस्तावेज की जब आप बात करते हैं तो इसमें आप ये दस्तावेज भी राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है, और राष्ट्रीय उद्देश्यों को कोई विरोध की बात नहीं है या उससे अलग हटने की बात नहीं है। लेकिन ये बात को दोबारा से मुदालियारे कमीशन के जमाने से उठाता है और शिक्षा को लोकतंत्र के साथ जोड़ता है, और लोकतंत्र की एक मूल शर्त यह है कि हर इंसान अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में वैल्यूएबल है। वो आपके ये बहुत अच्छी बात है, वो राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करे, सामाजिक प्रक्रियाओं में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन वो नहीं भी करता है तो इंसान के रूप में उसकी कीमत फिर भी है। ये बात इस डॉक्यूमेंट में ज्यादा रेखांकित होकर आती है। बहुत ध्यान से कोई पढ़ेगा तो इन दोनों पोजिशंस में थोड़ा फर्क है। एक में राष्ट्र है और नागरिक को राष्ट्र के अनुसार ढालना है, दूसरे में नागरिक एक सचेत और विवेकशील प्राणी है और स्वतंत्र है, इसलिए वो राष्ट्र की तस्वीर कैसी हो इसमें भी अपनी राय दे सकता है। तो इसमें नागरिक के लिए वो स्वतंत्रता कि आप राष्ट्र कैसा बनाएं, उस पर बल है। तो ये जो सरोकार में जिस तरह से बदलते हैं उसमें ये फर्क है। दूसरा सरोकार जो मैं शुरू से ही कह रहा था, ये वहीं से आ रहा है जहां मैंने आपसे शुरू में कहा था कि लोकतंत्र एक बड़ा सरोकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की परिभाषा इन तीनों दस्तावेजों में विकसित होती है, और यहां पर वो अधिक पूर्ण है। संपूर्ण है ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुलनात्मक रूप से। दूसरा, शिक्षण शास्त्रीय दृष्टि से जो दूसरा बड़ा परिवर्तन इन दस्तावेजों में है, पहले के जो दोनों दस्तावेज हैं वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, दोनों में ये शब्द है और दोनों में इसका बार बार कहा भी जाता है, बच्चा अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करता है। लेकिन यहां कंस्ट्रक्टिविज्म को थोड़ी ज्यादा विस्तार से व्याख्या करके और क्लासरूम में वैसा किया कैसे जा सकता है, इसके कुछ उदाहरण और उसके लिए कोशिश करने के तरीकों पर ज्यादा विस्तार से लिखा गया है इसमें। ये दूसरा इम्पोर्टेंट फर्क है। कुछ बहुत सारे और भी फर्क हैं, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि ये दो इम्पोर्टेंट फर्क हैं इसमें। तो अभी ये इस NCF 2005 के निर्माण प्रक्रिया, आपके जो अनुभव है उस पूरे निर्माण प्रक्रिया में संलग्न होने के, और जो तात्कालिक सरोकार रहे थे और जो स्रोत, इस पे हम लोगों ने एक बात करी। और एक इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पाठ्यचर्या पे शिक्षाविदों में बहस होती रहती है, और पिछले सालों में 10-15 सालों में कहें तो बहुत सघन बहस हो रही है। लेकिन साथ साथ ये भी देखने में आता है कि एक तरफ तो शिक्षाविदों के बीच में ये बहस एक लेवल की मैच्योरिटी को प्राप्त कर रही है, लेकिन शिक्षकों तक ये बहस पहुंची ही नहीं, ऐसा आभास होता है। तो आप, हम ये जानना चाहेंगे कि ये पाठ्यचर्या के मायने क्या हैं, और किसी भी राष्ट्र के लिए या भारत जैसे देश के लिए
इसके मायने हम कैसे देखें समझें? अपने सारे पाठ्यचर्या दस्तावेजों को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत साफ हो जाएगा कि जो अंग्रेजी का शब्द करिकुलम है, पाठ्यचर्या एक्चुअली उसके समकक्ष या उसके अनुवाद के रूप में हम लोग काम में लेते हैं। जहां तक मेरे देखने में आया है, इसके लिए भारत में दो शब्द काम में लिए जाते हैं हिंदी में, बाकी भाषाओं में क्या काम में लिया जाता है मुझे बहुत जानकारी नहीं है। एक शब्द है पाठ्यचर्या, तो एनसीईआरटी जो किताबें छापती है और कुछ और राष्ट्र सॉरी और राज्य, वो करिकुलम का अनुवाद पाठ्यचर्या के रूप में करते हैं। राजस्थान में जब यही बात की जाती है तो वो उसको शिक्षा क्रम कहते हैं। तो राजस्थान का शब्द शिक्षा क्रम और एनसीईआरटी का शब्द पाठ्यचर्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों करिकुलम शब्द के अनुवाद हैं। अब दिक्कत ये है कि करिकुलम की अवधारणा स्वयं ही सारी दुनिया में कोई एक मत उस पर नहीं है। तो यदि हम मान लीजिए हम पाठ्यचर्या शब्द को काम में लें करिकुलम की जगह, तो अलग अलग लोग उसको अलग अलग ढंग से बात करते हैं। जब शिक्षाविद और खास करके शिक्षा दर्शन के लोग बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि चाहे आप सीधे सीधे उन उद्देश्यों को आर्टिकुलेट करें या न करें, शिक्षा के हमेशा उद्देश्य होते हैं। वो कई बार आर्टिकुलेटेड हो सकते हैं, कई बार इम्प्लिसिट हो सकते हैं। और शिक्षा क्रम या पाठ्यचर्या वो योजना है जिसके तहत काम करके कक्षाओं में स्कूलों में पढ़ा के आप उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। ये छोटी सी और नीट परिभाषा है। एक मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों के लिए प्राप्ति की योजना। लेकिन जब इसका विश्लेषण शुरू हो जाता है, खासकर सामाजिक विज्ञान के लोग जब इसका विश्लेषण करते हैं, तो फिर इसमें से कई चीजें और निकल जाती हैं कि किसी राष्ट्र ने हो सकता है कि एक प्रकार की पाठ्यचर्या बना रखी हो और उसके कुछ उद्देश्य हो, और लेकिन जब स्कूल में वो पाठ्यचर्या लागू होती है तो उन उद्देश्यों के अलावा कुछ और चीजें भी हो जाती हैं। जो मान लीजिए स्कूल में तो आपने ये पाठ्यचर्या का उद्देश्य तो ये है कि सारे लोग हिंदी गणित विज्ञान या जो भी भाषाएं और आप पढ़ाते हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और इसको पढ़ाने के लिए आप एक बड़ा लंबा कई वर्ष तक चलने वाला प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें एक आदमी पढ़ाता है बोर्ड पर खड़ा होकर और बाकी बच्चे अनुशासित ढंग से सामने बैठे होते हैं। तो ये जो व्यवस्था है कक्षा की, ये एक कुछ और चीजें जो आपने अपनी पाठ्यचर्या में कहीं नहीं लिखी, लेकिन उसके नतीजे के रूप में हो रही है कि उन्होंने अथॉरिटी का आज्ञा पालन भी उसके साथ साथ सीख लिया, जो हो सकता है आपने अपने उद्देश्यों में लिखी नहीं थी। तो ये उस पाठ्यचर्या के इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे हो गए। इस प्रकार की चीजों को समाहित करने के लिए लोग छद्म पाठ्यचर्या या छुपा हुई पाठ्यचर्या हिडन करिकुलम या इंटेंडेड करिकुलम एंड इम्प्लीमेंटेड करिकुलम वगैरह और शब्दावली काम में ले लेते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो डेरिवेटिव शब्दावली है और वो एक सोशल परिस्थिति के अध्ययन के लिए बनाई जाती है, तो बहुत उपयोगी है, लेकिन वो पाठ्यचर्या की अवधारणा जो मूल है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की योजना, उस पर कोई असर नहीं डालती, उसके विरोध में नहीं खड़ी होती। तो यहां भी एक्चुअली पाठ्यचर्या का यही आशय लिया गया है। अब दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे बड़े देश में जिसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, ये पहली बात है, इसमें एक संघीय ढांचा है हमारे लोकतंत्र का, ये दूसरी बात है, शिक्षा का बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा और वो किस तरह से बनेगी ये सारा राज्यों के हाथ में होता है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर हम एक राष्ट्र भी हैं, इसलिए एक समग्र स्वरूप जो सारे राष्ट्र में हो वो भी होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें
शामिल होती हैं जब हम लोग पाठ्यचर्या बनाते हैं, कुछ और देशों में नहीं होती है। जैसे इंग्लैंड में उन्होंने पाठ्यचर्या बनाई यूके में, और वो लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में सारे देश में लागू हो गया, सब स्कूलों को पढ़ना होगा। हमारे यहाँ उस तरह का नहीं हो सकता। पहले तो आप इन तीनों दस्तावेजों को देखें तो आपको एकदम महसूस होगा कि पहले दोनों दस्तावेजों में, खासकर 1988 के दस्तावेज में, एक बहुत बड़ी चिंता यही है कि राष्ट्र में शिक्षा का उद्देश्य और पेडागोजिकल स्वरूप तो छोड़िए, ढांचा ही एक जैसा नहीं है। जैसे अभी जो जिसको हम कह रहे हैं कि 10+2, इसको स्थापित करने में हमको लगभग 20-25 वर्ष लगे थे। ये कोठारी कमीशन के तुरंत बाद प्रक्रियाएं शुरू हुई थी और 88-90 के आसपास तक आते आते पूरे राष्ट्र में ये ढांचा एक जैसा हुआ है। तो उन दस्तावेजों की एक बड़ी चिंता शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप बनाना, और राष्ट्रीय स्वरूप का एक हिस्सा ढांचा एक जैसा बनाना। दूसरा, इन दस्तावेजों में घोषित रूप से लिखा हुआ है कि स्कीम ऑफ स्टडीज एक जैसी बनाना। स्कीम ऑफ स्टडीज का मतलब है जैसे प्राइमरी में आप वहां की क्षेत्रीय भाषा पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं और पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं, और उसके बाद कुछ और चीजें शामिल हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। तीनों दस्तावेज में कला शिक्षण और स्वास्थ्य और से संबंधित शिक्षण। तो अब ये स्कीम ऑफ स्टडीज है। कल्पना यह है कि पूरे राष्ट्र में अलग अलग प्रांत, इनके अंदर क्या जाएगा उसमें कुछ भेद कर सकते हैं, लेकिन ये स्कीम ऑफ स्टडी एक तो वैसी होनी चाहिए और इसमें बच्चे की क्षमताएं हैं उनमें समकक्षता होनी चाहिए संपूर्ण राष्ट्र में। दूसरी जो चिंता है तीनों दस्तावेजों में, पहले दोनों में ज्यादा है, तीसरे में थोड़ी सी कम है, वो है राष्ट्रीय एकता। तो हमारा जो प्रसिद्ध नारा है विविधता में एकता, उसको पाठ्यचर्या को उसको संबोधित करना पड़ता है, और इसलिए तीनों पाठ्यचर्याओं में एक बात है जिसको कहते हैं कॉमन कोर। तो 10 ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो सारे पाठ्यचर्याओं में होनी चाहिए। इस बात को आप देखेंगे इन सारी चीजों को मिला के, ये जो 10 बातें हैं कॉमन कोर वाली, ये हमारी 1986 की शिक्षा नीति से आती है, ये उसमें कही गई है। उससे पहले भी इसका जिक्र हुआ है लेकिन उसमें डिफाइन की गई है, तो ये समान है। अब आप यदि पूरे राष्ट्र के लिए पाठ्यचर्या की बात करेंगे तो फिर आपको 3-4 चीजों का एक साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा का ढांचा वर्षों और कक्षाओं के हिसाब वाला एक जैसा हो, स्कीम ऑफ स्टडीज एक जैसी हो, क्षमताएं एक जैसी हो, और कॉमन कोर वाला हिस्सा सब में आए, और उसके बाद में सबके लिए विभिन्न प्रकार से अपने अपने पाठ्यचर्या दस्तावेज अलग अलग प्रांतों में बनाने की छूट है। तो इस दृष्टि से आप देखें तो ये पूरा का पूरा वर्कड आउट करिकुलम भी नहीं है, हम नहीं बना सकते। हमारे लिए नीतिगत दृष्टि से पूरे राष्ट्र के लिए एक पाठ्यक्रम या शिक्षा क्रम बना के या उसको करिकुलम बना के पूरे राष्ट्र में एक जैसा लगाना हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है और हमारी परिस्थितियां के भी विरुद्ध है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रूपरेखा जो शब्द है, फ्रेमवर्क, तो ये जो फ्रेमवर्क, रूपरेखा अच्छा शब्द है लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्रेमवर्क इसकी भावना को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपके कुछ मूल सिद्धांत हैं, आपने वो सिद्धांत एक साथ रख दिए और वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट हो सकते हैं, उनके निहितार्थ क्या हैं, वो कुछ हद तक स्पष्ट कर दिया, और बाद में आपने लोगों से कहा कि भाई इन सिद्धांतों को मानते हुए, इनको बिना तोड़े आप अपनी अपनी प्रकार के पाठ्यक्रम बना लीजिए। तो इसलिए ये पाठ्यक्रम की रूपरेखा या पाठ्यचर्या की रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये करिकुलम वर्कड आउट करिकुलम नहीं है। और ये भी माना जाता है पूरी दुनिया में अभी और भारत में, तीनों दस्तावेज ये बात कहते हैं कि ये एक ऐसा राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें मूल सिद्धांत लिखे हुए हैं और आगे हर प्रांत अपने अपने पाठ्यचर्या दस्तावेज बना सकता है।
जो 2005 का दस्तावेज है वो तो ये कहता है कि हर स्कूल और हर जिला भी अपने अपने बना सकता है, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये कोई बाध्यकारी और प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इनेबलिंग डॉक्यूमेंट है। इनेबलिंग का मतलब है कि आपने मोटे मोटे सिद्धांत बता दिए और उनको कैसे लागू करें उसकी सामग्री उपलब्ध करवा दी। ये जो पोजिशन पेपर्स का विचार था वो इसीलिए है कि अब यदि ये सारा सेट कोई देखे, जो मूल जो दस्तावेज है, मुख्य दस्तावेज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 18 पोजिशन पेपर्स, ये ऐसी संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवाते हैं जिसमें यदि कोई जागरूक शिक्षक किसी स्कूल में बैठे हों तो इस संदर्भ सामग्री के आधार पर बहुत अच्छी पाठ्यचर्या अपने स्कूल के लिए आराम से बना सकते हैं। और फिर इनमें से हर पोजिशन पेपर में आगे और रेफरेंसेस दी हुई है, तो एक तरह से संदर्भ निर्माण का काम हुआ है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा ही है। साधारणतः शिक्षक जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो पाठ्यक्रम करते हैं उनके आए दिन, पाठ्यचर्या शब्द शिक्षकों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसके अंतर को समझना पड़ा। इसको भी आप दो तीन अंदाज में देख सकते हैं। एक तो आप इसको हमारे यहाँ पे शिक्षा पे ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे सोचा गया है उधर से भी देख सकते हैं। और वास्तव में तो यदि शिक्षक पाठ्यक्रम का जिक्र करने लगे हैं तो भी ये भी विकास ही है, क्योंकि मूलतः तो पाठ्य पुस्तक में सब कुछ समाहित होने की बात। फेमस जुमला है, सिलेबस खत्म करना है, पाठ्यक्रम खत्म करना होता है। हाँ, लेकिन वहाँ पाठ्यक्रम का भी जो मतलब है वो किताब के सारे पाठ पढ़ा देना, तो पाठ किताब में और उनका क्रम भी किताब में कवर में बंधा हुआ है और उस क्रम को पूरा कर देना यहीं तक है। मुझे नहीं पता कि कितने शिक्षक लगभग 10 वर्ष पहले किसी पाठ्यपुस्तक के अलावा किसी और दस्तावेज की कल्पना करते थे पाठ्यक्रम के रूप में, करते होंगे लेकिन ठीक से नहीं पता मुझे। तो वास्तव में अंग्रेजी में एक और शब्द है सिलेबस, और पाठ्यक्रम जब बात करते हैं हिंदी में तो अमूमन सिलेबस की बात करते हैं। पाठ्यक्रम और करिकुलम में या पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में जो मूल फर्क है वो ये है कि पाठ्यचर्या या शिक्षाक्रम जैसे राजस्थान में काम में लेते हैं, वो शिक्षा के उद्देश्य और उसमें किस प्रकार के विषय पढ़ाए जाएं और उनमें सामग्री चुनाव करने के क्या मोटे मोटे सिद्धांत काम में लें, शिक्षण विधि के कौन से मोटे मोटे सिद्धांत काम में लें, मूल्यांकन के लिए कौन से मोटे मोटे सिद्धांत काम में लें, किस प्रकार की सामग्री काम में लें, इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस लिखी होती हैं और आगे उसको कैसे विस्तारित करेंगे उसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। तो ये जो दस्तावेज है ये करिकुलम है। अब इसके आधार पर आप थोड़ा ज्यादा डिटेल दस्तावेज बनाएंगे जिसमें अब आपने एक विषय लिया गणित, तो अब आप ये कहेंगे कि गणित की पढ़ाई 5 साल के बच्चे के लिए कहाँ से शुरू हो, पहले क्या पढ़ाएं, फिर क्या पढ़ाएं, उसके बाद क्या पढ़ाएं, और पहली कक्षा में गिनती कहाँ तक सिखाएं, दूसरी में कहाँ तक सिखाएं, ये जो डिटेल और क्रम और इसके लिए सामग्री का काम है ये पाठ्यक्रम या सिलेबस का काम है। तो ये जो डिटेल है ये करना अब राज्यों का या स्कूलों का काम है, ये मान के चला गया इसमें। तो वास्तव में फिर हमारे भारत में जो स्थिति है उसमें फिर हम 3 शब्द काम में लेते हैं, पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो सारे राष्ट्र के लिए एक मूल सिद्धांतों वाला दस्तावेज है और जिसमें हमारी राजनीतिक सामाजिक सरोकार, शिक्षा के उद्देश्य, लोकतंत्र से शिक्षा का संबंध, इस प्रकार की बातों की मोटी मोटी बात की जाती है। फिर हर राज्य को एक पाठ्यचर्या बनानी होती है कि अब इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर राजस्थान की क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ खास परिस्थितियां हो सकती हैं।
तो करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये अब दूसरा करिकुलम बनाना होता है, और फिर इस करिकुलम के आधार पर आप सिलेबस बनाते हैं या पाठ्यक्रम बनाते हैं, और फिर करिकुलम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के आधार पर आप पाठ्यपुस्तक बनाते हैं और शिक्षक का प्रशिक्षण करते हैं, तब जाके बात कक्षा में विधिवत शुरू हो सकती है। ये अलग बात है कि हम इस प्रक्रिया को कितना शॉर्टकट कर देते हैं या इसकी क्या समस्याएं होती हैं, वो हम आजकल कर क्या रहे हैं ये भिन्न बात है। इस दृष्टि से देखें तो ये तीनों अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके ऊपर अच्छी चर्चा होनी चाहिए। शिक्षकों को ये भेद पता भी होना चाहिए और इनको उनको अपनी योजनाओं में इसको काम में भी लेना चाहिए। तो ये अगर हम ऐसा कहें कि एक शिक्षक, एक प्राइमरी स्तर का जो शिक्षक है, तो मुझे लगता है उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज तो उसके पाठ्यचर्या है, न कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षक क्यों पढ़े, उसमें एक शिक्षक के लिए क्या है? उसकी तो ज्यादा रुचि सहज ही उसमें आ जाएगी कि उसके स्टेट ने क्या पाठ्यचर्या बनाई है या फिर पाठ्यक्रम और पुस्तकें, वो पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्यों? ये तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप शिक्षक, पहली बात तो आप शिक्षा से क्या समझते हैं और दूसरी बात आप शिक्षक से क्या समझते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा इस सवाल का जवाब। यदि शिक्षा से हम सिर्फ इतना ही आशय लेते हैं कि या तो पढ़ना लिखना सिखा दें या आजकल जिसको 21st century स्किल्स कहते हैं वो सिखा दें और कुछ काम धंधा करने लगे, और शिक्षक से हम एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं कि जिसको किताब दे दी और ये बता दिया कि जाइए कक्षा में और ये पढ़ा दीजिए और इसके अलावा आपका कुछ सोचने वोचने का काम नहीं है, तो आप एकदम ठीक कर रहे हैं। लेकिन यदि आप शिक्षा को थोड़े व्यापक नजरिए से देखते हैं, जिसमें एक बहुत क्या कहना चाहिए, सक्रिय लोकतंत्र में विवेकशील नागरिक की बात कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी में खुद राह ढूंढने वाले इंसान की बात कर रहे हैं, तो फिर आप शिक्षा में इस प्रकार की चीज़ों में मदद करेंगे जिसमें बच्चे खुद सोच सकें, उनका क्रिटिकल नज़रिया बन सके। यदि उस दृष्टि से शिक्षा को देखेंगे तो फिर ऐसा व्यक्ति ये शिक्षा नहीं कर सकता जो उसके मूल सिद्धांतों को या इंसानी सरोकारों को या सामाजिक और लोकतंत्र से शिक्षा के जो सरोकार हैं उनको ठीक से न समझे। और इसलिए पाठ्यचर्या और इन सरोकारों का समझना शिक्षक के लिए बहुत लाजमी हो जाता है। ये बहुत निर्भर करेगा इस बात पे कि मैं जो अपनी गणित पढ़ाता हूँ उसको सिर्फ जोड़ बाकी करने तक या सब्जी के भाव तक सीमित रखता हूँ, या उसको विवेकशील चिंतन के जरिए के रूप में भी देखता हूँ। यदि विवेकशील चिंतन के जरिए के रूप में देखता हूँ तो फिर मुझे गणित के शिक्षण से संबंधित या गणित के ज्ञान की प्रकृति से संबंधित जो बाकी चीजें हैं वहां पर जाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और वो पाठ्यक्रम में पूरी चीजें नहीं आ पाती हैं। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो इस सारी चीज को पूरे राष्ट्र के चिंतन से जोड़ती है, ये वहां तो आना जरूरी होगा। तो पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षक को शिक्षक प्रशिक्षणों में इन तीनों दस्तावेजों पर काफी काम करना चाहिए, बल्कि बेहतर होगा यदि शिक्षक अपने राज्य की पाठ्यचर्या और पड़ोसी दो और राज्यों की पाठ्यचर्या का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो ये NCF 2005 में एक बात काफी जोर देकर कही गई है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो पहला सवाल तो ये कि इस बात का आशय क्या है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और दूसरा बात कि जब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हुए? तो बात है, वास्तव में आप एक सवाल नहीं पूछ रहे हो, सवालों का गुच्छा है, और ये
और ये मुझे लगता है कि 3-4 दिन बातचीत करने के लिए सफिशियंट है, लेकिन जितनी बात इस छोटी थोड़े समय में कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करते हैं। ये जुमला बहुत प्रसिद्ध है आजकल की, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, और इसके दर्जनों अर्थ लोग अलग अलग करते हैं। मैं मोटी मोटी ये बात कर सकता हूं कि इसको मैं कैसे समझता हूं, और कुछ हद तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कैसे समझता है, इसके अलावा भी इंटरप्रिटेशन है इसके। तो यदि उस तरह से हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम ज्ञान को किस नजरिए से देखते हैं। ये जो बच्चा चीज बना रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ये ज्ञान क्या चक्कर है? और ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे देश में जब ज्ञान के बारे में बात की जाती है तो बड़ी डर डर के बात की जाती है। तो पहली समस्या तो ये होती है कि हमने ज्ञान शब्द को इतना महिमा मंडित और इतना महान बना दिया है कि ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग ज्ञानी होते हैं, जैसे शंकराचार्य या सर्वपल्ली राधाकृष्णन या गांधी जी या टैगोर। तो मैं और छोटा मोटा आदमी या छोटा मोटा शिक्षक, वो तो उन्होंने जो ज्ञान का समुद्र रचा है उसमें से एक आध बूंद उठा ले तो बहुत है का मामला है। लेकिन भारत में भी फिलोसॉफी में जाएंगे आप तो ज्ञान को अलग ढंग से देखा जाता है, ऐसे नहीं देखा जाता है। उसमें यह है कि प्रत्येक व्यक्ति दुनिया की समझ के लिए अपने मन में जो भी अवधारणाओं के ढांचे बनाता है वो सबका सब ज्ञान है। और फिर वो शंकराचार्य भी बनाता है और गांव में काम करने वाला एक मजदूर भी बनाता है, तो दोनों के पास अपना ज्ञान उस अर्थ में है। ये एक अर्थ हुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें दूसरी शर्त फिर ज्ञान की ये होती है कि ये जो ढांचे हमने बनाए हैं, ठीक है मैं अपने लिए कर बनाए हैं, मैंने सोच लिया दुनिया के बारे में, कुछ विचार बना लिए अपने मन में, उनको आपस में जोड़ लिया। हम उदाहरण लें तो हम इस प्रकार की बात कर सकते हैं कि गेहूं की खेती करने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए। तो अपने मन में मैंने गेहूं की अवधारणा बना ली, खेत की अवधारणा बना ली, खेती की अवधारणा बना ली। सर्दी में गेहूं ज्यादा पैदा होता है, उसके लिए पानी चाहिए, उसमें ये खाद, तो ये सारा सब मैंने बना लिया और ये मेरा ज्ञान है। अब दो दिक्कतें हैं इसके साथ, अभी तक उससे पार पाएंगे तब जाके इसको हम ठीक से ज्ञान कह पाएंगे। पहली दिक्कत तो यह है कि मैंने अपने मन में जो कुछ भी सोच लिया, जो भी अवधारणाएं बना ली, उनके आपसी संबंध बना लिए, लेकिन दुनिया में मैं जैसा करके देखता हूं तो प्रकृति में वैसा होता ही नहीं है। तो पहला तो मेरे ज्ञान को प्रकृति का टेस्ट पार करना होगा। मैं समझता हूं कि गेहूं नवंबर में बोने से बेहतर होता है, तो वो सचमुच में होना चाहिए कि जिसने जून में गेहूं बो दिया उसका गेहूं कम होना चाहिए मेरे से। तो पहली बात तो यह है कि उसको प्रकृति के साथ कुछ तालमेल होना पड़ेगा। मैं जानबूझ के प्रकृति के साथ एकदम उसको आबद्ध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ तालमेल होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वही गेहूं के बारे में ज्ञान हम सब ने बना रखा है अलग अलग, तो हमको यदि बातचीत करनी है उस ज्ञान के बारे में या उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से कोई प्रयत्न करने है, तो हमें सबको एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए। और जिस आधार पर हम किसी बात को सही या गलत मानते हैं वो आधार हम सबके कॉमन होने चाहिए। तो फिर ये दूसरी बात है कि उसमें जो लोग उस ज्ञान के क्षेत्र में जुटे हुए हैं उनका वो ज्ञान फिर धीरे धीरे सामूहिक होना पड़ेगा। ज्ञान को फिर कम से कम बहुत सरल ढंग से बात करें तो ये अधूरी है बातचीत, लेकिन जैसा मैंने कहता टाइम कम है, इसलिए कम से कम दो शर्तें तो पूरी करनी ही होंगी। यदि ज्ञान दुनिया के अनुभवों के बारे में है तो वो हमारे अनुभवों से मेल खाना चाहिए, अनुभवों की या तो व्याख्या करना चाहिए या अनुभवों को की भविष्यवाणी करना चाहिए या वर्णन करना चाहिए, और वो गलत करता है तो वो ज्ञान नहीं है। और दूसरी फिर बात यह है कि उस ज्ञान के क्षेत्र में जो और लोग हैं उनसे मेरी बातचीत होनी चाहिए और मुझे कहें वो कि ये इसको तुम सच क्यों मानते हो, तो मैं उसके कारण बता सकूं, पहले तो मैं उसका मतलब बता सकूं कि आप जिसको, यदि कोई भी आप अवधारणा लें खाद
तो आप मुझे पूछेंगे खाद होती क्या है, तो मुझे पता होगी क्या होती है, फिर मैं ये दावा करता हूँ कि ये खाद डालने से गेहूं ज्यादा होती है, तो आप मेरे से ये पूछ सकते हैं क्यों कह रहे हो ऐसा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, तो फिर ज्ञान को प्रमाण चाहिए। तो ये दो चीजें जब होंगी तब वो ज्ञान बनेगा। अब जब अगली बात हम कहते हैं कि बच्चा अपना ज्ञान स्वयं बनाता है, तो एक तो इसमें मनोवैज्ञानिक सच्चाई है और एक इसमें मीमांसकीय समस्या है। मीमांसकीय मतलब एपिस्टोमोलॉजिकल या ज्ञान शास्त्रीय समस्या है, और उन दोनों की संगति बैठाने का जो काम है वो एक इम्पोर्टेंट काम है यदि हम इस बात पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक सच्चाई है वो ये है कि इंसानों के सारी अवधारणाएं उनके अपने अनुभव के आधार पर बनती हैं। तो यदि आप एक ग्लास की अवधारणा बना रहे हैं, तो जब तक आप ग्लास देखेंगे नहीं या आपके अनुभव में नहीं आया है, यदि ये मूल अवधारणा है, तो सारी अवधारणाएं मूल नहीं होती, तो बनाना बहुत मुश्किल है। यदि आपने कभी ग्लास देखा भी नहीं है, तो भी कम से कम कुछ ना कुछ अनुभव आपके ऐसे रहे हैं जिसमें कोई पात्र है, उसमें कुछ डालने का काम है, उसको कुछ उपयोग में लेने का काम है, तब मैं कह सकता हूं। मान लीजिए कि आपने कटोरी देखी है, तो मैं ये कह सकता हूं अच्छा कटोरी तो देखी है तुमने, हाँ मोटा मोटा। अब यदि कटोरी को शीशे का बना दें और उसको इतना चौड़ा नहीं करके लंबा कर दे, तो मैं चित्र वगैरह खींच के बता सकता हूं कि ऐसा जो पात्र होता है जिसमें इस तरह से काम में लेते हैं वो ग्लास है। लेकिन इसके मूल में आखिर में आपका अनुभव रहेगा कहीं। और दूसरी बात यह है कि ये अवधारणा आपके लिए मैं नहीं बना सकता, मैं मदद कर सकता हूं, कोई भी दूसरा व्यक्ति मदद कर सकता है, अनुभव दिखा सकता है, बातचीत कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, संकेत दे सकता है, लेकिन अंततः तो आपका ही दिमाग काम करेगा और वही बनाएगा। इसलिए एक संभावना यह है कि हमारे सबके मन में जितनी भी हम कॉमन अवधारणाएं काम में लेते हैं, चाहे वो इतनी कॉमन हो जैसे गाय या ग्लास, या इतनी एब्स्ट्रैक्ट हो जैसे राज्य या प्रेम या भगवान, उसमें कुछ चीजें तो सामान्य होती हैं और कुछ चीजें हमारी नितांत व्यक्तिगत अपने ही दिमाग में होती है। दोनों प्रकार की चीजें उसमें एक साथ होती है। सो इस दृष्टि से आप अच्छा, और ज्ञान क्या है फिर अवधारणा? ज्ञान का आप मोटे तौर पर कह सकते हैं ज्ञान का सबसे छोटा टुकड़ा है। अब जब आप अवधारणाओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो ज्ञान बनता है। मतलब अकेला ग्लास की अवधारणा बनने से ज्ञान नहीं बना। जब आप ये कहेंगे कि शीशे के ग्लास को पत्थर पर पटक दो तो टूट जाएगा, तो अब इसमें शीशा, ग्लास, पत्थर, पटकना और टूटना, आपने इन सब में एक संबंध बनाया और एक तरह से आप एक अनुभव की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब इसको मैं पटकूंगा तो क्या होगा, गिरेगा, टूटेगा, यहां तो नहीं गिर टूटेगा, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर से और पत्थर पर गिराऊंगा तो टूट जाएगा। सो लेकिन ये भी भविष्यवाणी है, ठीक है, बात सही गलत की नहीं है। जैसे आपने एक भविष्यवाणी कर दी, तो अब आपने जो संबंध बनाया है वो ग्लास शीशा वगैरह तो वही है, पटकना तो वही है, लेकिन एक तो दूरी और दूसरी नीचे कितनी सॉफ्ट चीज है, और आपने अंदाजा लगाया है। ये जो सारी अब इसका मतलब ये हुआ कि अवधारणाओं के बीच में आपस में जो संबंध की संरचनाएं, संबंधों की संरचनाएं हम अपने दिमाग में बनाते हैं, वो ज्ञान है। तो ये संरचनाओं में संरचनाएं बनाना भी मैं करता हूं और अवधारणाएं भी मैं बनाता हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन अब दोबारा से पलट के आइए कि वो जो पहली दो शर्तें थी हमारी, वो इस पर नहीं लगेंगी। ये ग्लास मैं छोड़ूं और ऊपर चला जाए तो आपका ज्ञान बहुत दूर नहीं जाएगा, और हम में से कोई आपकी बात समझता नहीं है और आप क्यों कह रहे हैं ये इसके पक्ष में कुछ न कह सके, तो भी हम आपको ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होंगे। तो ये दो शर्तें और चाहिए। आप जो पहली बात थी वो मनोवैज्ञानिक थी, अवधारणा बनाना और उनमें संरचना बनाना, ये व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर स्वयं ही कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसके दिमाग में जाके ये नहीं डाल सकता। तो इस दृष्टि से बच्चा अपना संपूर्ण ज्ञान स्वयं बनाता है। लेकिन ये जो दो बाद की शर्तें आ गई, यहां पर दूसरों का रोल उसमें आ गया।
एक तो उसके अनुभवों की भूमिका, जिस दुनिया में वो रहता है वो बार बार उसके ज्ञान को तराशेगी, और दूसरी वो जब दूसरों से बातचीत करेगा तो उसको ऐसी भाषा में और ऐसी आधारों पे बात करनी पड़ेगी कि दूसरे समझें और स्वीकार करें। तो ये दूसरी बात है। अब यदि हम इस सारी ये उसका जो मैं कह रहा था मीमांसकीय या ज्ञान शास्त्रीय एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो जब लोग एक बात करते हैं कि सारा का सारा ज्ञान बच्चा स्वयं ही बनाता है और एपिस्टेमोलॉजी को भूल जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे होते हैं। और यदि हम सब अपना ही अपना ज्ञान लेके घूमते रहेंगे तो वो एक तरह से टावर ऑफ बेबल हो जाएगा, मतलब जिसमें हम कुछ बोलेंगे एक दूसरा और कोई नहीं समझेगा।